इसलिए एक राजा बिल्कुल गुमसुम बैठा है, मौन बैठा है, क्योंकि दुर्योधन ने निर्णय दे दिया अपना, बिना युद्ध के कुछ नहीं होगा। लेकिन आज भगवान ने कहा ठीक है महाराज, आप अपना निर्णय नहीं सुनाएंगे, लेकिन मुझे तो अपने अनन्य प्रिय सेवक प्रिय भक्त विदुर जी के घर भी जाना है। सभा में भगवान ने कहा विदुर जी के यहाँ जाना है। विदुर जी महाराज को बड़ी शांति सी मिली है, भगवान द्वारकाधीश मेरे घर जाना चाहते हैं। कितनी अद्भुत बात है, किसी भक्त के यहाँ भगवान पधारे। विदुर जी दौड़ करके बुधरानी के पास में आए, प्रभु जी पधार रहे, भगवान पधार रहे। उनका चोला, उनका हृदय बड़ा पावन हो गया। अब वो सोच रही है भगवान पधार रहे हैं। सुंदर सा, बहुत अच्छा सा, बहुत ही दिव्य आसन लगा दिया और पुनः स्नान ध्यान करना चाहती है। मैं पुनः स्नान ध्यान करके बहुत सुंदर भाव से भगवान को सजाऊंगी भगवान के लिए। लेकिन हमारा ध्यान रखना है, अब प्रभु जी आ रहे हैं तो विदुर जी ने कहा मैं कुछ व्यवस्था करके लाऊं भगवान के लिए। क्या व्यवस्था की जाए, क्या करना है? लेकिन उतने ही देर में यह सब लोग लगे हुए हैं, विदुरानी स्नान करने के लिए गई हुई हैं, मेरे प्रभु जी आ रहे हैं, लेकिन भगवान ने दरवाजा खटखटा दिया। बड़ा आसन सुंदर सा लगा था, बड़ा अद्भुत भाव था महाराज। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, विदुर काका है क्या यहाँ, उनके दर्शन होंगे क्या हमें? ठाकुर जी दर्शनों के लिए लालायित तो रहे, भक्त का दर्शन भगवान भी करना चाहते हैं। बद्रानी ने दरवाजा खोला, देह ध्यास की अवस्था नहीं है उन्हें। जब भक्त भगवान से मिलता है तो उसे अपने वस्त्रों का ख्याल, अपने देह का ख्याल, अपने अपनों का आभास नहीं होता है। किस अवस्था में कोई पता नहीं है। बड़ा सुंदर आसन डला बिठा दिया प्रभु, बैठ जाइए आप, बिल्कुल आंखों में प्रेमाप्त अश्रु भरा हुआ है, बड़ा आनंदमय भाव है। बिठाल करके भगवान को, विदुर जी के आने में देर हो रही है, विदुरानी के घर पर जो भी रखा था ना दौड़ करके गई ला करके रख दिया। बड़े प्यार से बैठी हुई है, अपने हाथों से भगवान को खिलाना चाहते हैं। सज्जनों आज केले के फल घर पर थे, रख लिया है और उसे बड़े प्रसन्न भाव में छील करके भगवान को देती है। लेकिन बसरता ध्यान में रखना, इतना प्रेमाक्ष भाव उमड़ पर आए उनका कि वह केले छीलने के बाद में रख देती है नीचे और छिलका को भगवान को समर्पण कर देती है। अद्भुत बात, भगवान वह